हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश वर्मा है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और ये कहानी दिल्ली के एक बहुत बड़े IIT इंस्टीट्यूट की है। सन 2005 में मैंने BTech में एडमिशन लिया था। बहुत मेहनत के बाद ही मेरा एडमिशन हो पाया था और मेरे माता पिता और मैं, हम सब बहुत खुश थे कि इतने बड़े कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया है। मैं पहली बार कॉलेज जा रहा था और वो भी इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में। ये सब सोचकर मैं बहुत खुश था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी। मैं वहीं कैंपस में रहता था। वहाँ मेरी कुछ लड़कों के साथ दोस्ती हो गई, वो मेरे रूममेट्स भी थे। धीरे धीरे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। हमारे कॉलेज में और कॉलेजों की तरह ही बहुत सी डरावनी कहानियाँ फेमस थी, जैसे कि यहाँ कोई कब्रिस्तान हुआ करता था या यहाँ कंस्ट्रक्शन होते हुए किसी मजदूर की गिरने से मौत हो गई थी जिससे उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है, वगैरह वगैरह। एक दिन की बात है, मैं और मेरे दोस्त ऐसे ही बैठ के कैंटीन में खाना खा रहे थे कि तभी मेरे दोस्तों की किसी लड़कों से लड़ाई हो गई और उन्हें बचाने के चक्कर में हमारी भी हाथापाई हो गई थी। बाद में हमें पता चला कि उन लड़कों में से एक हमारा सीनियर था। अगले दिन हम सभी बच्चों को स्पोर्ट्स हॉल में बुलाया गया। हमें लगा कि शायद कोई ज़रूरी मीटिंग है, पर वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ तो उस सीनियर्स ने नए स्टूडेंट्स को रैगिंग के लिए बुलाया था। मैं और मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उन लोगों ने सभी स्टूडेंट्स को अजीब से टास्क देने शुरू कर दिए, जैसे कि जा उस लड़की का नंबर लेके आ या कचरे के डिब्बे में से वो चीज़ उठा के लेकर आ। अब मेरी बारी थी। मुझे देखते ही वो सीनियर पहचान गया और बोला, अरे ये तो वही है, तू तो बड़ा बहादुर है ना, चल तेरे लिए बहुत ही स्पेशल टास्क है, चल वो जो ह्यूमैनिटीज़ की पुरानी बिल्डिंग है उसका एक पूरा चक्कर काट के आ, तभी तुझे कल के बाद मैथ्स में बैठने देंगे। मैं कुछ कहता लेकिन कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा था। सब डरे हुए थे। सब ने कहा, इतनी सी ही तो बात है, ये सब भूत भूत कुछ थोड़े ना होता है, जैक चक्कर ही तो काटना है। ये सब तो मैं भी जानता था, पर रैगिंग एक गलत चीज़ थी। मैंने फैकल्टी से कंप्लेन करने की धमकी भी दी, पर वो लोग किससे कहाँ डरने वाले थे। वो लोग मारपीट पर उतर आए, मैं मान गया। उन्होंने कहा कि तू तो बड़ा शेर है, चल अब ये काम रात के 3 बजे करके दिखा। मैं घबराया हुआ था, ये सब सोच सोच के मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। मेरे गले में मेरी माँ का दिया हुआ हनुमान जी का एक लॉकेट था, मैं उसे हाथ में पकड़ा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था। रात के 3 बजते ही उन लोगों ने मेरे कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, जिससे मेरी नींद टूट गई। मेरे दोस्तों ने कहा कि तू चला जा, अगर कुछ हुआ तो हम पुलिस और तेरे मम्मी पापा सबको कॉल कर देंगे, तो चिंता मत कर। मैं अपनी सारी हिम्मत बटोर कर वहाँ गया। जैसे ही वो मुझे अंदर भेजने वाले थे, उन्होंने मुझसे रुकने के लिए कहा और मेरे गले में से वो लॉकेट छीन करके रख लिया और साथ ही मेरा मोबाइल फ़ोन भी ले लिया और कहा कि चल अब जा। मैं बहुत गुस्से में था और निराश भी, पर सोचा जल्दी से जल्दी ये सब करके नीचे भाग के आ जाऊँगा और 1 घंटे में सुबह भी होने वाली है और 4 बजे के बाद क्या भूत भूत का डर। मैं अंदर घुसा, बिल्डिंग में हर तरफ अंधेरा था। मैं दौड़ की सीढ़ियों पर चढ़ गया और जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहता था। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से 3 फ्लोर कवर करके नीचे भाग जाऊंगा। पहले फ्लोर पे तो सब कुछ ठीक था। मैं ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, अचानक ही वहाँ चीखे पुकार शुरू हो गई। मैं भगवान का नाम लेने लगा और डरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे लगा शायद कोई बिल्ली के बच्चे या कुछ और जानवरों की रोने की आवाज़ होगी। तभी मुझे वहाँ किसी लड़की की रोने की आवाज़ भी सुनाई पड़ी। मैं चुपचाप आवाज़ पे ध्यान दे रहा था कि ये कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। कुछ कदम आगे चलने पर मैंने देखा कि वहाँ एक कमरे में एक लड़की रो रही है। वो लड़की चुपचाप एक कोने में खड़ी खड़ी रो रही थी। मुझे लगा कि शायद उसे भी कोई टास्क दिया गया है, वो लोग उसे भी शायद बुली कर रहे होंगे। मैंने उसे आवाज़ दी, वो पलटी, पर उसकी गर्दन मेरी तरफ घूमी हुई थी, उसका शरीर अपनी जगह पर ही था। ये देख के जैसे मेरे होश ही उड़ गए। उस लड़की का पूरा चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, उसके सिर पर से बहुत सारा खून बह रहा था
उसका एक पैर भी शायद टूटा हुआ था। वो लंगड़ाती लंगड़ाती मेरी तरफ दौड़ने लगी और चीखने लगी और अपने हाथ आगे बढ़ा करके मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगी। मैं जैसे तैसे वहाँ से भागा। भागते भागते सामने वॉशरूम था, मैं उसी टॉयलेट में जाकर छुप गया और दरवाजे को ज़ोर से बंद कर लिया। वहाँ चारों तरफ बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जगह जगह मिट्टी और गंदे सड़े पानी की गड्ढे से बने हुए थे। आसपास कीड़े और मक्खियाँ भी भिन भिना रही थी, पर जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाने के लिए सांस रुक कर वहाँ खड़ा हुआ था। मैं टॉयलेट के दरवाजे के बाहर उस लड़की के वहाँ से किसी भी तरह से चले जाने की राह देख रहा था। तभी मुझे वहाँ उस लड़की के पैरों के घसटने की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाजे के कोने से बाहर झांक कर देखा, वो इधर उधर मुझे ही ढूंढ रही थी। मैंने अपनी आंखें और मुंह सब बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि वो वहाँ नहीं है, तो मैं बाहर की सीढ़ियों की तरफ ज़ोर से दौड़ा। अब मैं टास्क के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं बस सीढ़ियों से नीचे उतर करके यहाँ से भाग जाना चाहता था। मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुँचा, तभी वहाँ दो हाथों ने आकर के मेरे पैरों को ज़ोर से पकड़ लिया। मैं अपने पैरों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से चीखने लगा। मेरी चीख सुनते ही वो लड़की मेरी तरफ ही भागती हुई आने लगी। उसका डरावना चेहरे पर एक बहुत भयानक सी हंसी थी। वो अचानक ही मुझे देखकर बहुत खुश सी लग रही थी। मुझे लगा कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। अचानक पता नहीं कैसे अपने आप मुझे भगवान याद आए। मुझे जितनी भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी हनुमान चालीसा याद थी, मैं उसे पढ़ने लगा। और बस मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो लड़की वहाँ नहीं थी। मैंने अब जैसे तैसे कुछ भी करके अपने आप को छुड़ा के वहाँ सीढ़ियों से नीचे दौड़ने लगाई। दौड़ते दौड़ते मैं दरवाजे तक पहुँच भी गया। दरवाज़ा जैसे ही मैंने खोलने की कोशिश करी, मैंने पाया कि मैं दोबारा से उसी फ्लोर पर पहुँच गया हूँ जिस फ्लोर पे वो लड़की थी। मैंने देखा कि वो लड़की फिर से उसी तरह से हंसती हुई चीखती चिल्लाती मेरी तरफ दौड़ी आ रही थी। मैं फिर से सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ा। मैं दोबारा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, पता नहीं कैसे मैं दोबारा उसी फ्लोर पे पहुंच गया। अब मुझे लगा कि शायद मैं धीरे धीरे पागल हो रहा हूँ, जैसे मेरे शरीर का मुझ पर कंट्रोल ही नहीं है, मैं अपना दिमागी संतुलन खोता जा रहा हूँ। मैंने सोच लिया था कि या तो मैं मर जाऊँगा या मैं हमेशा के लिए पागल हो जाऊंगा। मैं रोने लगा और मेरे रोने की आवाज़ के साथ ही किसी के ज़ोर ज़ोर की हंसने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। मैं ज़ोरों से चीखने लगा और कहने लगा कि अब बस और नहीं, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझे जाने दो प्लीज़। और ये सब कहकर मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी फैमिली और मेरे दोस्त मेरे साथ ही खड़े हुए हैं। ये सब देख के मुझे लगा कि मैं शायद अभी भी उसी लूप में फंसा हुआ हूँ, मैं अभी भी शायद उसी बिल्डिंग में हूँ और ये सब मेरा भ्रम है। मैं कैसे वहाँ से बच के निकला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरा ध्यान अपने गले की तरफ गया। मेरे गले में हनुमान जी का वही लॉकेट था। ये देख के जैसे मेरी जान में जान आ गई। बाद में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मेरे पापा ने उन लोगों को फ़ोन किया था। उस रात मेरी माँ की किसी डरावने सपने से नींद खुल गई थी और उन्होंने तुरंत ही पापा को मेरा हालचाल पूछने के लिए कहा। उन्हें लगा कि जैसे मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। मेरी माँ ने बताया कि उस सपने में उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो मुझे उनके साथ ले जाने के लिए कह रही थी। वो मेरी माँ से मुझे मांग रही थी और ये देख के मेरी माँ की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने पापा से पूछा कि कुछ भी करो और देखो कि मेरा बेटा ठीक है या नहीं है। साथ ही मेरी माँ ने हनुमान चालीसा का भी जाप करना शुरू कर दिया। पापा ने मेरे दोस्तों को और कॉलेज को फ़ोन करा। सारा स्टाफ मेरे दोस्तों के साथ उस बिल्डिंग की तरफ भाग के आ रहा था। ये देख के उन सीनियर्स की हालत ख़राब हो गई और उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश करी, लेकिन मेरे दोस्तों ने उन्हें पकड़ लिया और मेरा मोबाइल और मेरा लॉकेट उनसे छीन लिया और जैसे तैसे बिल्डिंग के अंदर घुसे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे ढूँढा। मैं अभी भी ऊपर वाले फ्लोर पे ही फंसा हुआ था और वो लॉकेट उन्होंने मेरे गले में पहना दिया। तब तक सुबह हो चुकी थी, सुबह के कुछ 4:30 या 5 बज चुके थे। पुलिस भी कॉलेज कैंपस में आ गई थी, उन्होंने उन लड़कों को अरेस्ट कर लिया। ये सब सुनकर मैंने अपने दोस्तों को थैंक्स कहा। बाद में मुझे पता चला कि उन सीनियर्स को कॉलेज से निकाल दिया गया है
और उनका कुछ पता नहीं है। मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया। मुझे लगभग साल भर लग गया इन सब चीज़ों से उबरने में। जैसे तैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा था। कुछ साल बाद पता चला कि उस बिल्डिंग में एक स्टूडेंट हुआ करती थी। उस स्टूडेंट पर किसी लड़के को क्रश था। उस लड़के ने उस लड़की को स्टॉक करके परेशान करके रखा था। एक दिन वो लड़की कॉलेज में किसी लड़की से बात कर रही थी कि तभी अचानक उस लड़के ने उस लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। वो लड़की बहुत बुरी तरह से जल गई थी। कुछ दिनों बाद जब रिकवर होकर वो कॉलेज में दोबारा आई तो उस लड़के ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो उसको बदसूरत और पता नहीं क्या क्या कहता था। इन सब चीज़ों से परेशान वो लड़की डिप्रेशन में आके उसी कॉलेज के बिल्डिंग से कूद गई थी। कूदने की वजह से उसकी गर्दन टूट गई थी और साथ ही उसके पैर की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। ये सब सुन करके मुझे समझ में आया कि शायद वो लड़की मुझे वो लड़का समझ रही थी और अपना बदला लेने के लिए मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैंने अपने माता पिता के साथ उस लड़की के लिए पूजा रखवाने का फ़ैसला किया। हम लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी हमने एक यज्ञ रखवाया और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करी। मुझे नहीं पता कि उस लड़की को शांति मिली या नहीं। आज इस बात को बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं उस रात को भूल नहीं पाता। उस लड़की का भयानक चेहरा आज भी मैं अपने सपने में देखता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारी कहानियाँ सुनें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, बाय।